हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फन एंड केयर में। तो फ्रेंड्स आइए आज हम बात करेंगे कि जो सर्दियों में मतलब सर्दियों में आने वाली भाजी वाली सब्जियां होती हैं, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स वाली होती हैं, जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, लीव्स वाली सब्जियां, वो उगाने के बारे में। तो उनका यही बेस्ट सीजन होता है कि जब सितंबर जा रहा होता है और अक्टूबर आ रहा होता है, तो उस बीच में हम उन सब्जियों को उगाते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, सरसों, धनिया, चकुंदर और मूली जैसी सब्जियां भी हम अभी उगाते हैं और यही इनका बेस्ट सीज़न होता है। अगर हम इसे थोड़ा पहले डालते हैं तो हमारी सब्जियां ढंग से पनप नहीं पाती हैं और उसमें छेद 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 से हो जाते हैं और उनका इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। पर जब हम बात करते हैं अभी की उगाने की, तो बहुत अच्छे से उगती हैं और 3 से 4 हफ्तों में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती हैं सब्जियाँ हमें। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियाँ हैं और कौन कौन सी सब्जियाँ हम उगा सकते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कि पौध के साथ तैयार होती हैं, जिनकी हमें पहले सीडलिंग करनी पड़ती है, फिर उनको दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। उन सब्जियों के बारे में बताऊंगा मैं, और लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बताऊंगा, पत्ते वाली सब्जियां, उनके बीज सिलेक्शन के बारे में, मिट्टी कैसी चाहिए होती है, पानी कितना देना होता है, यही सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आइए अब हम देखेंगे कि जो लीफी वेजिटेबल्स के बीज, तो आप ये देख सकते हैं ये मेरे पास कुछ बीज हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा बीज हमें हमारी किचन में अवेलेबल हो जाते हैं बहुत इजीली, और ये बहुत इजीली उगते भी हैं। तो आइए हम डिस्कस करेंगे इन बीज के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये जो मेरे हाथ में आप बीज देख रहे हो, ये फ्रेंड्स ये बीज हैं कोरिएंडर के, धनिया। ये धनिया आपको ईजीली आपके किचन में मिल जाएगा और इसको बस क्या करना होता है, हल्का सा हाथ से क्रश किया और हमें मिट्टी में डाल देना होता है और बहुत अच्छे से उग जाता है। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, पर हाँ इसको थोड़े शैडो एरिया में रखना होता है। ये है मेथी। मेथी हमारी कैसे उगती है, मेथी भी सिंपल हमारी किचन में मिल जाएगी आपको। और मेथी के लिए हमें क्या करना होता है, इसको मेथी के लिए हमें पहले थोड़ी सी देर इसको भिगोना होता है पानी में, आधे पौने घंटे या 1 घंटे तक भी आप भिगो सकते हो, और उसको फिर बाद में मिट्टी में डाल देना होता है। तो इन दोनों के लिए, मेथी के लिए और धनिया के लिए, हम प्योर गार्डन सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट में मिला के भी हम उगा सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो सीड्स हैं मेरे हाथ में आपको अब दिख रहे होंगे, ये सीड्स जो हैं ये सीड्स हैं मेरे मूली के। मूली जैसे बीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तो इनके लिए हमें गमला कम से कम भी 20-22 इंच से ऊपर का चाहिए होता है, अगर आप गमले में उगा रहे हो या कैरेट में उगा रहे हो तो भी बहुत 20-22 इंच का चाहिए होता है। और इनके जो बीज डलते हैं वो एक एक बीज हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालना होता है, 6-6 सेंटीमीटर या 7-7 सेंटीमीटर के गैप पे, 6-6 इंच या 7-7 इंच के गैप पे, क्योंकि जिससे बहुत अच्छी डेवलप हो। और मूली उगने में मतलब पूरा मूली तैयार होने में नीचे तक हमें 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, पर पत्ते उसके पहले आ जाते हैं, हम उनको काट सकते हैं, उसमें दोबारा पत्ते आ जाते हैं और उनको हम सब्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये है मूली के बीज, आप देख सकते हो बिल्कुल पास से। आपको मूली के बीज को क्या करना होगा, सीड क्वालिटी के लिए आप इसको पानी में भिगोगे, जो बीज ऊपर आएंगे उनको हमें बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, उनको फेंक देना है, और जो नीचे बीज आएंगे हमारे जो टॉप बॉटम एरिया में बैठ जाएंगे उन बीजों को आपको इस्तेमाल करना है, उन्हीं बीजों को उगाना है। इसके बाद चलते हैं दूसरे बीज पे। ये जो बीज हैं ये सेम मस्टर्ड की तरह ही होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये मस्टर्ड की तरह ही होते हैं, पर ये बीज हैं बीट रूट के, चकुंदर के। और इसी तरीके के बीज होते हैं मेरे थोड़े से हल्के से बड़े मूली जैसे से, वो बीज है मेरे बीट रूट के, चकुंदर के। तो इनका भी वही प्रोसेस है, थोड़ा बड़ा गमला चाहिए होता है और इनमें हमें वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा मिलानी होती है, मूली में और इसमें चकुंदर में, शलगम में, हमें इनमें क्या होता है, हमें इनमें वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा मिलानी होती है। वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा मिलाने से क्या है कि मिट्टी हल्की होगी तो वो सरकने में आसान होगी, जैसे जैसे हमारे फ्रूट्स ग्रो होंगे, फल ग्रो होंगे, तो उन पर ही पहुँच जाएगी, वो अपनी जगह बनाते रहेंगे और खूब आराम से उसमें जाता रहेगा, नीचे बढ़ते रहेंगे। तो ये हमने धनिया की बात कर ली, मूली, चकुंदर, शलगम की बात कर ली, मेथी की बात कर ली। फ्रेंड्स ये है मस्टर्ड, मेरे पास ये ब्लैक कलर के सीड्स हैं, इसमें येलो कलर के सीड्स भी आते हैं और आपको नॉर्मल शॉप पे भी मिल जाएंगे। ये मेरे पास जितने भी बीज हैं ये देसी बीज हैं, आप हाइब्रिड बीज भी मंगा सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, या जो आपके नियर अबाउट बीज की शॉप है वो भी ले सकते हो। अब क्या होता है कि अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, रात में हल्की हल्की सी ओस पड़नी शुरू हो जाएगी, उसमें हमारी सब्जियां और भी अच्छे से ग्रो होंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो आप देख सकते हो सारे बीजों को, यही बीज सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि बीज को हमें
थोड़ी सी देर पानी में भिगो देना चाहिए। जो ऊपर वाले बीज होते हैं जो तैरते हैं उन बीजों को नहीं उगाना चाहिए एज कम्पेयर जो बॉटम में बैठ जाते हैं, वो अच्छे रिजल्ट देते हैं और उनके ग्रो होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये सारे बीज हैं आप देख रहे हैं। तो अब हमने बीज की बात यहाँ हो गई है, अब हम करते हैं मिट्टी की बात। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि किसके लिए कितने बड़े साइज़ का पॉट, कितने बड़े साइज़ का गमला हमें चाहिए होगा, कितनी कैसी मिट्टी चाहिए होगी। तो चलिए चलते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो है ये मेरी नॉर्मल तो आप ये जैसा देख पा रहे हो ये बिल्कुल एक नॉर्मल गार्डन सोइल है। इसको मैंने पहले से ही तैयार कर रखा है। खूब अच्छी सी मिट्टी है और ये देखो ये थोड़ी भुरभुरी मिट्टी भी है। ये मैंने वर्मी कंपोस्ट की बहुत कम मात्रा मिला रखी है, एक दूसरे गमले में मैंने इसको तैयार कर रखा है। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हो ना इसमें मैंने गैप छोड़ रखा है लगभग चार उंगली का, मतलब चार उंगल का ऐसे गैप छोड़ रखा है, जिससे कि क्या है पत्ते वाली सब्जियों को अगर कभी आंधी भी आ जाती है, कभी कभी जाते हुए सीजन में ही बारिश भी दे जाती है तो या फिर आंधी आ जाती है तो हमारी सब्जियों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। पत्ते वाली जो सब्जियाँ होती है वो बहुत नाजुक होती है, उनका स्टेम बहुत नाजुक होता है। तो उनको उगाने के लिए आइए तो इसमें हम उगाते हैं सरसों। तो ये सरसों के बीज मैंने लिए और नॉर्मली स्प्रिंकल कर दिए इसमें। इसमें हम सरसों लेके चारों तरफ ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे पास में, थोड़ा बिल्कुल पास में भी नहीं और बिल्कुल दूर दूर भी नहीं। तो ये हमने सरसों इसमें स्प्रिंकल कर दिया है और उसके बाद बस हल्की सी हमने इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर डाल दी है। और स्प्रे बॉटल से फिर हम पानी या थोड़ा सा इसमें पानी दे देंगे। मेरे को अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं लग रही क्योंकि मिट्टी मेरी नीचे से गीली थी तो इसको हल्का सा सेट हो जाएगा, तो उसके थोड़ी देर बाद हम पानी इसमें देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे सरसों उगाई है और देखो मेरा गमला खाली है जिससे कि सपोर्ट मिलता रहे, गमला मेरा खाली छोड़ा हुआ है मैंने, ठीक है। सेम यहाँ पर एक पॉट है इसमें, तो आप इस वाले गमले की मिट्टी देख सकते हो, इस गमले की मिट्टी बिल्कुल भी भुरभुरी नहीं है और बिल्कुल भी इसमें वर्मी कंपोस्ट नहीं है, ये प्योर गार्डन सॉइल है। तो इसमें भी हम खूब अच्छे से उगा सकते हैं मेथी, धनिया और आपका पालक और सरसों, ये चार इसमें उग सकती हैं। तो आइए अब हम इसमें बीज डालेंगे और इसमें हम बीज डालते हैं मेथी के। इसको भी क्या है बस ऐसे ही डाल देंगे, हम भिगोने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आप भिगोना चाहें तो आप भिगो सकते हैं, पर मैंने इनको सीड्स को सेलेक्ट कर रखा था और मुझे आइडिया है कि ये बहुत अच्छे से उग जाएंगे। वो ये हमारा प्रोसेस सिंपल से, हम इसमें सीड डालेंगे और सीड डालने के बाद इसको हल्का सा बस ऊपर से एक बार कवर कर देंगे। कवर करने के लिए मैंने मिट्टी जो अभी आपको दिखाया था कि गमले में तैयार कर रखी है वही मिट्टी मैं इसी कवरिंग के लिए डालूंगा। और इसमें पानी वही, अभी मिट्टी मेरी गीली है तो अभी मेरे को पानी की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अभी आधे घंटे या थोड़ी देर बाद मैं इसमें पानी ज़रूर डालूंगा। और मिट्टी को पहले ही से गीला करने का यही रीज़न होता है कि जो सीड का मॉइस्चर होता है वो कभी कभी मिट्टी पूरा ले लेती है और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है, और यही हाल हमारा उसके साथ होता है जब हम सीडलिंग को ट्रांसफ़र करते हैं, तो मिट्टी को गीली ही करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो उग रहा है सरसों उग रही है, ये मैंने टाइम से पहले उगा ली थी। तो देखो कुछ पत्ते तो इसके बहुत अच्छे आए हैं और कुछ पत्ते इसके कटे आए हैं जो कि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया है मेरे को। तो इसका यही रीज़न था कि सीजन से पहले उगाने से हमारी सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। अब ये देखिए इसकी सॉइल बिल्कुल गार्डन सॉइल है और ये मैंने देखो एक कैरेट में बना रखा है इस गमले को, इसमें प्लास्टिक बैग लगा के जिससे कि मेरा मिट्टी का लॉस ना हो और ये ना हो। तो आप ऐसी चीज़ों में भी बना सकते हैं, उगा सकते हैं। आप देख पा रहे हो इसमें टब में मैंने शलगम लगा रखी है और ये इसके ऊपरी पोर्शन है, आप देख पा रहे हो। शलगम के लिए एटलीस्ट इतना बड़ा तो हमें चाहिए होता है टब। और ये देखो थोड़ा थोड़ा पास बीज गिर गए हैं जो कि बहुत गलत है, पर ये देखो ये जो बड़े हैं मैं इनको रहने दूंगा और ये जो पास की छोटी सीडलिंग्स आ रही हैं मैं इनको हटा दूंगा। फ्रेंड्स अब आप ये वाला गमला देख रहे हो, ये गमले की लेंथ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बड़ा गमला है,
22 इंच से भी ऊपर का गमला है, 25 इंच के करीब का है। और हमें ऐसे ही गमले बड़ी सब्जियों को उगाने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे मूली हो गया। और मिट्टी इसमें वर्मी कंपोस्ट हम बहुत अच्छी रखेंगे, देखो कितनी भुरभुरी सॉइल हो रखी है। इसमें वर्मी कंपोस्ट हम लगभग 60-70% में लाएंगे, परलाइट 10-20%, और बाकी का जो मेरा 20% के करीब बचेगा वो हम गार्डन सॉइल में लाएंगे इसमें। तो आइए देखते हैं कि हम मूली के बीज कैसे डालें, मूली को कैसे उगाते हैं। मिट्टी को एक सार करी, मैंने मिट्टी को एक सार कर दिया, गड्ढा करा। आप स्केल से मार्जिन कर सकते हैं वरना अंदाजे से भी कर सकते हैं, बस इतना कि जितना हमारा बीज चला जाए, ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं करना। ऐसी एक यहाँ पर करा, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, एक थोड़ा यहाँ पर साइड में, थोड़ा इस साइड में। और इनके अंदर हम एक एक दो दो बीज को डाल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका बीज ख़राब है या कैसा भी है, तो आप इसके अंदर बीज इंसर्ट कर देंगे। देखो सिंगल सिंगल बीज आप इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि बीज की उगने की हमें कैपेसिटी नहीं पता होती है। और बस फिर वही बहुत हल्की सी सॉइल, ज़्यादा दबाएंगे नहीं हम बीज को अंदर, बहुत हल्की सी सॉइल डालेंगे, बीज को ज़्यादा दबाएंगे भी नहीं, और ये हमारा तैयार होता है। फ्रेंड्स इसी तरीके से हम पत्ते वाली सब्जियाँ उगा सकते हैं। और यही मौसम होता है बैंगन की सीडलिंग करने का, टमाटर की सीडलिंग करने का, गोभियाँ दोनों तरह की, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और उनके लिए भी हमें बड़ा ही गमला चाहिए होता है, उनकी सीडलिंग का भी यही टाइम होता है। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।